योगी सरकार पर्यावरण को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। इस साल लगने वाले सभी वृक्षों की निगरानी सैटेलाइट की मदद से की जाएगी। आपको बता दें कि मिर्जापुर में करीब 31 लाख से ज्यादा पौधा रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी पौधों की निगरानी जीपीएस सिस्टम की मदद से की जाएगी। साथ ही जीपीएस सिस्टम द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी का भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, प्रशासन ड्रोन कैमरों की मदद से भी पौधों की निगरानी करेगा और वक्त वक्त पर फोटो खींच कर अपलोड किए जाएंगे। 31,23,000 से ज्यादा पौधों का रोपण किया जा रहा है। रोपण के साथ ही सिंचाई की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने के सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं ताकि पौधों को सूखने न पावे और इसकी नियमित सिंचाई और देखरेख भी की जाती रहे पौधों के स्थापित होने तक। ये इस बार जो है ये व्यवस्था की गई है जो है, और उनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम संबंधित विभागों को करने के निर्देश दिए गए हैं जो है। नई तकनीक से कुछ बताया जाए? नए तकनीक में ये है कि उनकी जियो टैगिंग करके जो है इसको जो है पोर्टल पर अपलोड करना है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पौधे के कहाँ पर रोपित किए गए हैं, उनकी क्या दशा है, क्या स्थिति है, इस बात का भी जो है ध्यान रखा गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि सैटेलाइट की मदद से पता चलता रहेगा कि कितने पौधे लगे हैं और कितने जीवित हैं, ताकि पौधों की अच्छे से देखभाल की जा सके और जल्द से जल्द पेड़ सुरक्षित रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट।